सागर एसपी कार्यालय में मृतक की पत्नी बच्चों सहित गुहार लगा रहा ये व्यक्ति संतोष प्रजापति है, जो अपने भाई ब्रजेश की मौत के मामले में जारी लीपापोटी पर पुलिस से जवाब मांग रहा। पीड़ित के मुताबिक 13 जून को उसके भाई ब्रजेश और गांव का ही जसवंत कुर्मी खेत पर थे। जब घर परिवार के लोग खेत पर पहुंचे और ब्रजेश को भी साथ घर चलने को कहा तो जसवंत कुर्मी ने कुछ काम का बहाना बनाकर ब्रजेश को उनके साथ जाने से रोक लिया, जहां बहुत देर तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसका भतीजा जतिन प्रजापति उसे खोजने खेत पहुंचा तो ब्रजेश लहूलुहान जमीन पर पड़ा था और जसवंत कुर्मी मौके से भागता दिखा। जतिन ने इसकी जानकारी घर वालों को दी और ब्रजेश को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिजनों को साफ साफ राहतगढ़ पुलिस पर आरोप है कि हत्या के इस मामले को पुलिस ने उसके ही एक अन्य परिचित के बयान के आधार पर हादसा बताकर पानी में डूबने से ब्रजेश की मौत मान मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वारदात के समय जसवंत कुर्मी से मौके से भागना और बाद में मामले में परिजनों को पुलिस से इसकी शिकायत नहीं करने पर दबाव बनाकर डरा धमकाना साफ जाहिर कर रहा है कि उसने ही ब्रजेश की हत्या की है, जिसमें रतन बाबा प्रजापति ने भी उसका साथ दिया। इस मामले में लगातार राहतगढ़ पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता दिख रहा, जहां आज परिवार सहित सभी ने एसपी से इस मामले में राहतगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली की शिकायत कर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा, मामले की निष्पक्ष जांच करा, उन्हें न्याय दिलाने की मांग रखी। पूरे मामले पर एसपी ने उनकी बात को गंभीरता से सुनने के बाद नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया। हमारे पति की हत्या हुई। क्या नाम था आपके पति का? ब्रजेश कुमार प्रजापति। कब की घटना है ये? 13/6। तो अभी आप इतने दिन बाद क्यों आ रहे? हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई, इसलिए फिर इधर आए। अभी कहाँ पर आए? मर्डर हुआ उसका डॉक्टर सब सबूर रह गए, पानी में डूबी से मौत हुई है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। रात गढ़ थाने में आई साहब टेप के यहाँ हमने आवेदन दिया 16/6 में, 2 दिन में थाने वालों ने ऐसे कुत्तों का ही बेटे बेटे चले गए साहब, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। अब रिपोर्ट हमारे किसी घर के सदस्य ने लगा दी तो हम क्या करें, क्या करें बताओ, किसके यहाँ जाए, किससे बोले, जब मैं हम हमारा परिवार हमारी ये छोटी बहू है उसका छोटा लड़का है, अब किसको लेके कहाँ जाए, हम गरीब आदमी है, पुलिस से न्याय मांगेंगे किससे मांगेंगे आपको, बोलो आपको किसी का शक है क्या? शक क्या, हम नाम दर्ज रिपोर्ट कराना जसवंत के नाम से, फिर पुलिस क्यों नहीं उठा रही उसे, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं? कौन लोग हैं ये? जसवंत कुर्मी हमारे यहाँ का। कहाँ के निवासी है ये? ग्रामीण मिर्जापुर का ही। क्या करती है ये? कुछ किसानी है इनकी। दबंग लोग हैं, वो है पूरे गाँव में, कोई किसी से बोलता ही नहीं है, कोई कह ही नहीं रहा मेरा भाई मरा है, वो गांव में घूर रहा है वो। अभी तो आप कहां पर आए हैं, क्या लेके? अभी हम एसपी ऑफिस में आए हैं, जहां हमारी कहां कहीं सुनवाई नहीं हुई, चलो वहां पे चलो, वहां से मेरी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन आज 59वां दिन हो गया साहब, 13 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, बता हम किसके यहाँ भीख मांगे। क्या नाम है? कहना यहाँ मेरा नाम है संतोष कुमार प्रजापति, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, 2 महीने होने के हुए सर, मुझे न्याय चाहिए बस। अगर उसकी मौत हुई है पानी में डूबे से हुई तो साबित करो, जब हम नाम दर्ज रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उस मुल्जिम को क्यों नहीं उठा रहे आप? आपका कोई पुरानी गंजिश थी क्या सामने वालों के? अब क्या थी, इससे पूछो बहू से।